बिहार वासियों के लिए छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक महापर्व है। इस पर्व के दौरान लोगों के घर में काफी चहल पहल होती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर खत्म होती है। इस पर्व को साल में दो बार मनाया जाता है, जिसमें पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है। आप सभी में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस पर्व से जुड़े इतिहास के बारे में जानकारी होगी कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इन बातों की कोई जानकारी नहीं होगी। आज हम आपको इस वीडियो में छठ से जुड़ी कुछ बातों को बताने वाले हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि इस पर्व को इसलिए मनाया जाता है ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती रहे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई। इस पर्व को लेकर कई संदर्भ प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसंग रामायण काल से जुड़ा है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता रावण का वध करके 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे, तब उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया था। इस दौरान सीता मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की आराधना की थी। वहीं छठ से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्ध दिया करते थे। सूर्य को अर्ध दान देने पर परंपरा आज भी चली आ रही है। इसके साथ ही महाभारत से ही जुड़ी एक और कथा है। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा को द्रौपदी ने रखा था। बता दें कि द्रौपदी ने यह पूजा इसलिए की थी क्योंकि पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे। द्रौपदी की यह पूजा सफल हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इन कथाओं के अलावा एक और पौराणिक कथा छठ पूजा से जुड़ी हुई है। पुराणों के कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था जिसका कोई संतान नहीं था। उस राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए कई कर्म कांड किए, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंत में उस राजा ने महर्षि कश्यप से परामर्श कर पुत्र येष्टि यज्ञ किया, जिसके बाद महारानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका वह पुत्र मरा हुआ था, जिसके बाद उस मृत बच्चे को दफनाया जाने लगा। बता दें कि जब उस बच्चे को दफनाया जा रहा था, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा, जिसके बाद उस विमान से एक देवी निकली और उस मृत बच्चे को स्पर्श कर उसे जीवित कर दिया। इस घटना के बाद ही राजा ने यह निश्चय किया कि अब उनके राज्य में यह त्योहार मनाया जाएगा और उन्होंने पूरे राज्य में इस पूजा को करने की घोषणा कर दी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।